व्हाट्सएप गाइस के स्वागत सभी लोग। आज अपन बात करने वाले टॉप 4 मिसिंग वन टैप टिप्स एंड ट्रिक। तो आज की वीडियो में आपको 4 वन टैप टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूं जो कोई नहीं देता अपनी वीडियो में, और इसको अप्लाई करने के बाद गाइस आपका जो वन टैप रेट है ना वो काफी बढ़ जाएगा। तो बस बने रहना इस वीडियो में, और अगले 5 मिनट के बाद आप भाई राइस्टर से भी खतरनाक खेलने वाले हो। अरे समझो भाई, लिटरली गाइस ये कोई नहीं बताता भाई, काफी पीरो बंदे इस ट्रिक का यूज करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अभी आ चुका है वीडियो को स्टार्ट करने का टाइम, तो लेट्स करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले अपन बात करेंगे स्टेप नंबर 1 की, और इसके अंदर देखो हम लोग एनिमी को डायरेक्ट वन टैप मारते हैं। यार क्या बात कर रहा, वन टैप तो डायरेक्ट ही लगेंगे। मतलब गाइस देखो, हम लोग अगर एनमी को डायरेक्ट वन टैप मारते हैं ना तो इससे वन टैप नहीं लगता भाई। कहने का भाव ये कि हम लोग जब भी एनमी को वन टैप मारते हैं तो हमको डायरेक्ट वन टैप नहीं मारना है, हमको यहाँ पर जंप करना होगा। और अगर आप जंप करते हो ना तो गाइस आपका यहाँ पर मूवमेंट स्पीड इंक्रीज होता है, और इससे आपका जो सेंसिटिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और आपका वन टैप लगने का चांस काफी बढ़ जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको जंप नहीं करना, आपको आधे टेडे वन टैप मारना, आपको इधर उधर रनिंग करना होगा, एनमी के क्लोज रेंज के अंदर जंप करना होगा। हम लोग क्या करते हैं, एनमी को देखते ही गाइस डायरेक्ट वन टैप मारने के लिए भागते हैं, और फिर हम वन टैप खा लेते हैं। हाँ ये कर लो पहले। तो ऐसा अब से नहीं करना, पहले मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करो और फिर आपका वन टैप काफी इजीली लग जाएगा। तो यहाँ पर अपना टिप नंबर 1 हो चुका कंप्लीट गाइस, और अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, और ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। बट इससे पहले आप वीडियो को लाइक करो यार अभी की अभी। तो देखो हम गाइस जब भी एनमी को वन टैप मारते हैं तो हमको जंप नहीं करना, ये फंस गया सी है। जब भी आप जंप करके एनमी को वन टैप मारने का ट्राई करते हो तो आपका जो गोली गाइस वो इधर उधर चला जाता है, रिकॉइल ज्यादा होता है, और फिर आपका वन टैप नहीं लगता। तो हमको यहाँ पर जंप नहीं करना, जंप करके वन टैप मारने पर गाइस सीरियसली रिकॉइल ज्यादा होता है। अभी यार देखो मैं आपको जंप का पॉइंट बता देता हूँ। तो गाइस हम लोग जब भी लॉन्ग रेंज के अंदर जंप करके वन टैप मारेंगे ना M187 से, कोई भी वन टैप वाली गन से, तो आपके यहाँ पर रिकॉइल ज्यादा होता है। और अगर हम लोग क्लोज रेंज के अंदर जंप करके वन टैप मारेंगे तो आपका रिकॉइल नहीं होगा। तो गाइस हम लोग क्लोज रेंज के अंदर ही जंप करके वन टैप मार सकते हैं, और लॉन्ग रेंज के अंदर हमको जंप करके वन टैप नहीं मारना। आप जंप कर सकते हो, आपका पैर जमीन पर टच होने के बाद आपको लॉन्ग रेंज के अंदर फायर करना है, और यहाँ पर आपको क्लोज रेंज के अंदर दोनों स्टेप कर सकते हो। पहला जंप करके हवा में फायरिंग करना, ठीक है, ये काफी खतरनाक वन टैप जाएगी इससे। और दूसरे के अंदर हमारा पैर जमीन पर टच हो जाए उसके बाद फायर करना, दोनों काफी ओपी ट्रिक है, दोनों वर्क करेगा, दोनों अप्लाई करना। तो गाइस अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की, और गाइस ये जो ट्रिक ना काफी ओपी है भाई, और ये ना गाइस आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक पर काम आने वाले, चाहे वो SMG हो, ARM हो, कोई भी गन हो, सबके अंदर ये काम आने वाली है। तो गाइस आप जब भी हेडशॉट ट्रिक का वीडियो देखते हो तो कोई भी ये ट्रिक नहीं बताता, और ये काफी सीक्रेट ट्रिक है। तो देखो गाइस हम लोग जब भी एनमी को वन टैप मारते हैं तो हम लोग ड्रैग की तरफ ध्यान नहीं देते, कितना ड्रैग करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी लॉन्ग रेंज के अंदर हो तो आपको ड्रैग का स्पीड कम करना होगा, आपको यहाँ तक ड्रैग करना होगा, और अगर आप क्लोज रेंज के अंदर हो तो गाइस आपको फुल स्क्रीन ड्रैग करना होगा, आपका जितना मतलब स्क्रीन है उतना आपको ड्रैग करना होगा। रुक रुको भाई, ये नहीं है, अगर आप ये भी करते तो भी आपका वन टैप नहीं जाता काफी बार। मैं जब भी वन टैप नहीं लगने वाली क्लिप को ध्यान से देखता हूँ तो मेरे को ज्यादातर एक ही गलती देखने को मिलता बार बार, वो गलती आप भी करते हो, तो वो क्या गलती है वो कुछ अलग है, वो कोई नहीं बताता, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखो वीडियो को। तो गाइस देखो ड्रैग कितना करना वो तो मैंने बता दिया, बट ड्रैग का स्पीड कितना होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस अगर आप लॉन्ग रेंज के अंदर एनमी को वन टैप मारने का ट्राई कर रहे हो तो आपका ड्रैग का स्पीड कम होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपको लो स्पीड के अंदर आपको ड्रैग करना है, चाहे आपका लो डिवाइस हो या फिर हाई डिवाइस हो। ज्यादा हाई स्पीड से अगर आप ड्रैग करते हो तो आपका यहाँ पर गन रिकॉइल हो जाएगा, और गाइस जब भी आपका यहाँ पर रिकॉइल होता है ना तो समझ लेना भाई आपका ड्रैग की स्पीड में प्रॉब्लम है, या तो ड्रैग का स्पीड काफी हाई था या फिर ड्रैग का स्पीड काफी कम था। और अगर एनमी क्लोज रेंज के अंदर हो तो गाइस आपको ड्रैग का स्पीड बुलेट की तरह करना है, ठीक है, आपको फुल हाई स्पीड से ड्रैग करना है, फुल हाई स्पीड से आपको ड्रैग का स्पीड होना चाहिए। तो गाइस अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की, और गाइस ये अपना लास्ट टिप है, और ये भाई लिटरली अब तक का सबसे ओपी ट्रिक यही है। तो यहाँ से भाई वीडियो को स्किप मत करना, अगर आपने इसको नहीं देखना तो भाई पूरा वीडियो बेकार समझ लेना। बट इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ऐसी टिप्स एंड ट्रिक के लिए। तो गाइस ये लास्ट टिप है, यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखो। तो गाइस अपना जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा हाई रहना चाहिए कि सामने बंदा है उसको मैं मार दूंगा, जैसे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर मारते हैं वैसे ही इधर बंदे को मार देंगे। गाइस जैसे लिटरली आप पीरो बंदे हो, ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आप सब बंदे को मारते हो, जो बंदे रनिंग करते जंप करते सब टाइप के बंदे को आप मार देते हो, तो वैसे ही हमको रियल मैच के अंदर मारने का ट्राई करना। तो यही था टिप नंबर 4 के अंदर, अपना कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए, और गाइस हम लोग पीरो है बट ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, तो बस ट्रेनिंग ग्राउंड के पीरो पंती को असली मैच में लैंड कराओ। और गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और सारी टिप्स एंड ट्रिक को जाकर ट्राई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।